नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई अड्डा में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर और आगे इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए चालू करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, तो ये रहा आपके सामने। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारम्भ किया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी त्रिपुरा, डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, छत्तीसगढ़। इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम लोग देखेंगे, तो आइए देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। बात है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बारे में भी देखेंगे। छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 को, राजधानी अटल नगर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचंद्र मेनन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने उद्यमशीलता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फेड शुरू किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। तो आपका जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी और बजाज अलम्बियज जनरल एसोसिएशन कंपनी ने अपने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए करार किया है? ऑप्शन ए स्नैपडील, बी फ्लिपकार्ट, सी अमेजॉन, डी पेटीएम मेल। तो आपका जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, फ्लिपकार्ट। इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग। फेसबुक का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना सन 2007 ईस्वी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के स्नातक सचिन बंसल और बिनी बंसल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए इग्नू, बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी बी एच यू, डी जे एन यू। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इग्नू, ए इज द राइट आंसर। तो आइए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली मैदान गड्ढी में स्थापित है। यह दुनिया का सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। केंद्र ने उड़ीसा के किस शहर को 100% सौरकरण के लिए एक योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, बी कर्नाटक, सी कोणार्क, डी राउरकेला। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कोणार्क उड़ीसा। तो इसके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम लोग देखेंगे। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम लोग देखेंगे साथ में। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है, इसलिए हर वर्ष 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम आवर सोल्यूशन आर इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने ब्रेक दर्शन क
कार्टून अभियान शुरू की है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ए केरल, बी तेलंगाना, सी मणिपुर और डी त्रिपुरा। तो आपका जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर केरल। इसके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देखेंगे हम लोग साथ में। तो केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और यहाँ का जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनटीपीसी में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किस के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए ONGC, बी MSME, सी टाटा पावर या डी सैमसंग। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ONGC। ONGC से पहले एक और वर्ड आया है NTPC, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो NTPC का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल टर्मिनल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। इसका स्थापना 7 नवंबर 1975, मुख्यालय नई दिल्ली। और एक ONGC के बारे में हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले NTPC के जो CEO और MD हैं गुरदीप सिंह हैं। ONGC के बारे में अब देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदी मीनिंग होता है तेल और प्राकृतिक गैस निगम। इसका जो स्थापना है वो 14 अगस्त 1956 को, मुख्यालय नई दिल्ली में, MD एंड CEO शशि शंकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरीकी ध्वज को कितने दिन तक आधा फहराने का ऐलान किया गया है? तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है ए 2 दिन, बी 4 दिन, सी 5 दिन या डी 3 दिन। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर 3 दिन। तो आइए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे हम लोग। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया कि अगले 3 दिनों में COVID-19 से मरने वालों की संख्या 95,000 से अधिक होने के कारण अमरीकी ध्वज को आधा फहराया जाएगा। अमरीकी सेना ने उन लोगों के सम्मान में हर साल 25 मई को मनाए जाने वाले मेमोरियल डे पर आधे झंडे फहराए जाते रहेंगे। ये हर साल अब 25 मई को ये झंडा फहराया जाएगा। अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है? तो Washington DC। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है वो ए गोविंद राजलू चिंटला, बी दिलीप उमेन, सी BR शर्मा या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर BR शर्मा। आंसर ऑफ होमवर्क क्वेश्चन, कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था उसको आप देख लीजिए। चीन की सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगाया है? तो ये जो इसका आंसर था डी इज द राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। टुडेज क्वेश्चन फॉर यू, आज के लिए आपका होमवर्क है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 19 मई, बी में है 20 मई, सी 23 मई या डी 22 मई। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। माय यूट्यूब चैनल वाईफाई अड्डा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।